युवती के अपहरण से मचा हड़कंप। हड़बड़ाहट में अपहरणकर्ताओं की अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। बिदना औरैया में औरैया जनपद में बिदना कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी किरण कुमार की दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है। दोनों शादीशुदा बहनें अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए अपने ससुराल गुड़गांव से बुधना पहुंची। बहनों के साथ उनकी अविवाहित बहन भी साथ में थी। घटनाक्रम के अनुसार बिदना में उतरते ही रिक्शा में बैठकर अपने गांव की तरफ जा रही थी, तभी एक बोलेरो गाड़ी ने आगे आकर उनका रास्ता रोका और अविवाहित युवती का जबरन अपहरण कर बोलेरो में डाल लिया और अपनी बहन को बचाने के चक्कर में बड़ी बहन को अपहरणकर्ताओं से विरोध करना भारी पड़ गया। अपहरणकर्ता ने बड़ी बहन को तमंचे की बट से मार कर घायल कर दिया। घटना के बाद अपहरणकर्ता गाड़ी से फरार हो गए। जहाँ चीख पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर दौड़ लगाई। ग्रामीणों को अपनी तरफ आता देख अपहरणकर्ता आनन फानन में गाड़ी स्टार्ट कर मौके से भागने लगे। तभी अनियंत्रित होकर बोलेरो गाड़ी खड्डे में पलट गई। तब तक मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पलटी हुई गाड़ी से युवती को बाहर निकाला और अचेत अवस्था में युवती को अस्पताल पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं में से एक अपहरणकर्ता को पकड़कर खूब पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी ने बताया कि तीन बहनें गुड़गांव से वापस विदना आ रही थी। तभी घर जाते समय बोलेरो गाड़ी से सवार कुछ युवकों ने एक युवती का अपहरण कर लिया, जिसका विरोध करने पर युवती की बड़ी बहन को कट्टे की बट से मारकर घायल किया। पकड़े गए अपहरणकर्ता ने बताया कि अपहरणकर्ता व अपहृत युवती की लगभग 6 माह पूर्व कोर्ट मैरिज हो चुकी है। पुलिस ने सुसंगत मामलों में मामला दर्ज किया और आगे की जांच कर की कार्यवाही भी की जा रही है और जांच अभी भी जारी है। विमल पांडे की रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। हेलो हेलो, इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो, क्या हो गया? दादी से आ रही थी उन्होंने फोर व्हीलर से मेरा पीछा किया। इतनी तेज फोर व्हीलर थी कि उन्होंने ऐसा लगा जैसे वो रिक्शे में टक्कर मार देंगी। तो वहाँ तो इसलिए हम टक्कर मारी नहीं, आगे रोक कर छोटी सिस्टर को पकड़ के किडनैप करने लगे। कौन लोग थे वो मुझे पता नहीं, यही कहीं के। अच्छा, कोई जान पहचान थी या क्या था? मैं ये बोल रही हूँ, मेरे मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, मेरी छोटी सिस्टर है। अच्छा अच्छा, उसके बयान नहीं। अच्छा ठीक है, वो आपको सब बता दी। तो मैं जब बचाव किया कि कहाँ लेके जा रही हूँ, तो वो हाथ में रिवॉल्वर लिए था। अरे हाँ, काले कलर की, उसने वही माथे भी मार दी। मैं वही भी नाम है आपका? किरण कुमार। कहाँ रहते हैं? भाईपुर थाना दुना। क्या मामला हो गया? वो दिल्ली से ये लोग आ रहे थे, भाई साथ बड़ा वाला, तीन बहने और यहाँ उतरी दुना, वहाँ से जा रहे गाँव, वहीं रास्ते में आई रिक्शा था, उसमें टक्कर मारी और किरण लड़की उठा के उनमें डाल लिया और ले जा रहे थे वहाँ, वहाँ ले जाके और फिर वहाँ गाड़ी पलट गई। अच्छा, हाँ। कितने लोग थे? 5 लोग आए लड़की, 5 लड़के। गाड़ी कौन सी थी? बोलेरो। नंबर आए मैं देखा था तो वही पड़ी है। तो इनको क्या गोली मारी है? मतलब ऐसा मारा, ऐसा वैसे गोली नहीं मारी, मतलब ऐसा मार दिया। अच्छा मैम, थाना बिदुना के अंतर्गत एक अपहरण की सूचना प्रकाश में आई है, ये सारा क्या मामला है? आज लगभग 8:30 बजे थाना बिदुना से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को, लगभग 26 साल की महिला को कुछ लोग बोलेरो गाड़ी में उठा कर ले जा रहे हैं। फिर आगे पता चला कि ये गाड़ी खाई में गिर गई है, तो गांव वालों ने इनको रोक लिया। तो मौके पे पुलिस पहुंची, पूरी जांच की। जांच के बाद ये पता चला कि तीन बहनें जिनकी उम्र 22 वर्ष, 26 वर्ष और 28 वर्ष है, ये लोग गुड़गांव में रहते हैं। ये लोग आज गुड़गांव से अपने गांव भाईपुर वापस आ रहे थे। बस से उतरकर ई रिक्शा में बैठे तो घर की तरफ रास्ते पे एक मदर टेरेसा स्कूल पड़ता है रायपुर गांव से पहले, तो इस जगह पर एक बोलेरो जो जिसका नंबर UP79X2503 है, इस गाड़ी में 4 लड़के थे जिन्होंने ई रिक्शा को रोका और इनमें बीच वाली जो बहन है उसको अपने साथ बैठाकर भागने लगे।
भागने का प्रयास किया तो बड़ी बहन ने इसमें विरोध किया, तो जो एक मेन लड़का है शिवम राणा जो रामपुर बामपुर थाना बिदुना का ही रहने वाला है, इसने बड़ी बहन के सर पे तमंचे से वार कर दिया और वो गिर गई और ये भागने लगे, परंतु बोलेरो आगे जाके खाई में गिर गई। खाई में गिरने से जो एक बीच वाली बहन है उसके सर में चोट आ गई और मौके से तीन अभियुक्त फरार हो गए और गांव वाले क्योंकि तुरंत वहां पहुंच गए थे उन्होंने एक अभियुक्त सोनू उर्फ अंकित इसको पकड़ लिया था। तो जो इनके पिता हैं तीनों बहनों के उन्होंने एक नामजद तहरीर दी है जिसके आधार पे समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शेष जो तीन लोग लड़के भाग गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, चार टीमों को मेरे द्वारा स्वयं ब्रीफ करके इनके अरेस्टिंग शीघ्र करने के लिए लगाया गया है। मैम अपहरणकर्ता और लड़की की शादी की बात प्रकाश में आ रही है, इसमें क्या सत्यता है? कुछ तथ्य इसमें प्रकाश में आए हैं जिसके संबंध में अभी जांच की जा रही है। कुछ 6 महीने पहले किसी कोर्ट मैरिज के प्रपत्र होने की बात अभी गांव में चर्चा चली है, तो जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी तथ्यों के आधार पे जांच करके अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।